प्रार्थना का टाट ओढ़ ले। हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर के करीब आने का एक ही रास्ता है, वो प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं और प्रार्थना में हमारे पिता से हम बात करते, तो हमारे लिए परमेश्वर उस स्वर्ग से उतरकर हमारे उस प्रार्थना में आ जाता है। हालेलुया, हम जब परमेश्वर को दिल से याद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आइए हम सब प्रार्थना के, जैसे आज का ये टॉपिक है और आज का ये वचन है, तो हम परमेश्वर में आज जैसे परमेश्वर हमें चलाए, हम आज्ञा की किताब तीसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है कि जब योना नबी को परमेश्वर ने पहली बार जब बात किया कि तो निनवे जाकर प्रचार कर, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वो परमेश्वर से भाग रहा था। लेकिन जब हम देखते हैं उसके बाद वो समुद्र में, उस समुद्र के जो जीव था उसके अंदर वो 3 दिन रहा, मर गया था, लेकिन वहाँ से प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद जब वो ठीक हुआ तो परमेश्वर ने दूसरी बार उसको ये वचन कहा कि निनवे जाकर प्रचार कर, और वो जाकर बेधड़क प्रचार कर रहा और कह रहा योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन पर बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया, एक सेकेंड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वहाँ पे लिखा है कि वो उसने प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बीतने तक नीनवे शहर पूर्ण रूप से उलट दिया जाएगा। लेकिन 5वां वचन इस प्रकार कहता है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। इसने कितने दिन तो भी जाकर प्रचार कर रहा था, वो काफ़ी टाइम डर रहा था योना नबी जो परमेश्वर का सेवक था, लेकिन उसने एक दिन जाकर जोर से और बड़े ही पवित्र आत्मा से भर कर प्रचार किया कि 40 दिन के बीतने तक निनवे शहर उलट दिया जाएगा। और लिखा है तब निनवे शहर के मनुष्यों ने उसकी बात पर विश्वास किया और लिखा है कि परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक, बुजुर्गों से लेकर जवानों तक परमेश्वर का वचन उन्होंने माना और उन्होंने उपवास किया और टाट ओढ़ लिया। किस चीज का टाट ओढ़ लिया? प्रार्थना का टाट ओढ़ लिया, पश्चाताप का टाट ओढ़ लिया। और वे लोग परमेश्वर की प्रतीति करके, वे लोग जितने भी मनुष्य थे वहां पर उस देश में, उस शहर में, उस गांव में, उन सबों ने उपवास किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया था। इनके पापों की वजह से परमेश्वर ने उस शहर पर क्रोध किया। आज परमेश्वर हम सबसे बात कर रहा, हमारे पापों के वजह से, हमारे परमेश्वर के वचन को ना मानने के वजह से, हमारे परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने के वजह से और अपने अपने मन की मनमानी करने के वजह से परमेश्वर आज हम पर क्रोधित हुआ है।
आप में से कितने लोग तो कहते होंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी नौकरी क्यों नहीं ठीक से चल रही है, मेरे फाइनेंस अच्छे से क्यों नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस अच्छे से क्यों नहीं चल रहा, मेरी मिनिस्ट्री अच्छे से क्यों नहीं चल रही है, मेरा जीवन अच्छे से क्यों नहीं है। क्योंकि हमने परमेश्वर के नजर में पाप किया है। हालेलुया। जब ये बारी आई कि अब नीनवे नष्ट करूंगा, लेकिन एक बात बड़ी ही अच्छी यहां पर लिखी गई है, परमेश्वर ने जल्दबाजी नहीं की, खुदा बाप ने टाइम दिया। आज आप सबों को खुदा बाप आपको टाइम दे रहा है कि क्या आप तैयार होंगे, क्या आप आज के मैसेज से तैयार हो जाएंगे कि यीशु ने मुझे उपवास और प्रार्थना का टाट ओढ़ने के लिए कहा है, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं पश्चाताप करूंगा। हालेलुया। यहां पर जितने लोग थे वहां का निन्वे में शहर में, वो राजा जो था, वो राजा ने भी देखे आगे क्या लिखा है। तब यह समाचार, यह बात निन्वे के राजा के कान पर पहुंची और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया। राजा देखे वहां पर, उस राजा को भी घमंड नहीं आया और राजा का भी मन में परिवर्तन और परमेश्वर का भय आ गया। तो आप और मैं कौन है? वो जो राजा जो पूरे देश का अधिकारी है, जो राज कर रहा है उस पूरे देश पर, उसके हृदय में एक परमेश्वर के दास के द्वारा, नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन उसके कान में पहुंचा और उसने अपना सिंहासन उठ खड़ा हो गया, उसने छोड़ दिया अपने राज की और सुनहरे वस्त्र उसने उतार फेंके और लिखा है उसने पश्चाताप का टाट, प्रार्थना का टाट, सिंपल सा वस्त्र पहन लिया और लिखा है वो राख पर बैठ गया। आगे पढ़ेंगे, लिखा है वो राख पर बैठ गया। हालेलुया। राख पर बैठने का मतलब है, पहले जमाने में जब लोग पाप करते और जब परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे और परमेश्वर की नज़र में घृणा करते थे, पाप करते थे, और जब उनको एहसास होता कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, लिखा जाता था वहाँ पे, कहा जाता है जब हम पुराने नियम में पढ़ेंगे, लोग राख को अपने शरीर पर मलते या राख बिछाते, उस पर बैठ जाते। राख का मतलब क्या? जब आप बैठोगे आपका शरीर गंदा होगा, आपको वो राख चुभेगी, आपका शरीर मटमैला हो जाएगा, आपका जो वस्त्र, जो राख अपने अपने माथे पर आप लगा लेते हो, इसका अर्थ परमेश्वर में कुछ नहीं, मैं तो साधारण सा मनुष्य, मैंने पाप कर बैठा, मुझे क्षमा कर। पश्चाताप को दर्शाता है। आज आप एक एक लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप एक एक जन से परमेश्वर खुदा बाप बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम राख आज अपने ऊपर मलो, राख पर बैठ जाओ। राख पर मतलब पश्चाताप की जो आग है, पश्चाताप की जो राख है, उस पर आप बैठ जाओ, सारे चीजों को जला फेंको। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि ये आज का ही दिन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका वचन, आपको वचन बताऊंगी मैं, एक सेकेंड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। और लिखा है आगे हम पढ़ेंगे, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर, उन सबसे सम्मति बातचीत कर कर लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, अगर आपको बचना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आपका देश, आपका परिवार, आपका जीवन बचाव का आपके हृदय में आया है कि मेरा देश बच जाए, मेरा शरीर बच जाए, मेरा आत्मा बच जाए, मेरे घर वाले बच जाए, मेरी नौकरी बच जाए, मेरा सब संसार बच जाए,
परमेश्वर क्या कह रहा है। उन लोगों ने क्या किया, राजा ने पहली बात तो अपने में बदलाव किया, उसको वो राख पर बैठ गया, पश्चाताप करने लगा और उसने प्रार्थना का टाट ओढ़ लिया और लिखा है कि उसने ढिंढोरा पिटवाया पूरे शहर में। और वहां पर लिखा है शहर में ढिंढोरा पिटवा कर ये उसने आज्ञा सुनवा दी कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या गाय, बैल, भैंस, बकरी, जितने लोग भी है, ये लोग खाना न खाने पाए। हालेलुया। और लिखा है और ना ही पानी पिए। कितना कितना वो दिन होगा कि जानवर तक को भी उपवास करने को लगा दिया गया था। हालेलुया। इनको पता चल गया था कि इन्होंने जो पाप किया है वो परमेश्वर के नज़र में बहुत ही भयंकर हो चुका है। और परमेश्वर, देखो परमेश्वर ने इनको मौका दिया। हमें आज परमेश्वर एक मौका दे रहा है, आज परमेश्वर हम सबसे बात कर रहा है, एक मौका दे रहा है कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना का टाट ओढ़ लो, उपवास का टाट ओढ़ लो और अपने परमेश्वर से, अपने परवरदिगार से प्रार्थना करो, पश्चाताप करो। आज यीशु मसीह ने क्या कहा आपसे, हमें क्या कहा है कि तुम प्रार्थना जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं कब आनी है, हमें शायद पता नहीं है लेकिन खुदा बाप को पता है। और वो इसीलिए कहता है जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आज मेरी आवाज़ जिन लोगों तक भी पहुँच रही है, मेरी एक ही विनती और प्रार्थना है आपसे और एक ही सुसमाचार आज मैं आपको देती हूँ और एक ही मैं आज परमेश्वर का वचन बताती हूँ। अगर आप आज टाट ओढ़ लेंगे आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आपका जीवन जो आपने पाप और घिनौने काम किया और परमेश्वर के नज़र में आपने वो चीज़ कर दिया है जो परमेश्वर के नज़र में बहुत ही घृणित है, परमेश्वर कहता आज तू टाट ओढ़ ले मेरे बेटे, आज तू प्रार्थना का टाट ओढ़ ले मेरी बेटी, आज राख मल ले। राख का मतलब क्या है, तुम उस पाप को पश्चाताप करो, कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो और प्रार्थना करो अपने पिता से, उस गुप्त कमरे में जाकर अपने हाथों को उठाकर जो बोलना है परमेश्वर से बात करो, माफी मांगो। परमेश्वर क्यों नहीं उतर कर आएगा अपना सिंहासन छोड़कर, वो आपके आपके घर में उस जगह पर जहां प्रार्थना कर उस जगह में उतर जाएगा अपने पवित्र आत्मा, अपने स्वर्ग दूतों के साथ, अपने उस महिमा के साथ। हालेलुया। उस ज्योति के साथ परमेश्वर उतर जाएगा। और परमेश्वर आज क्या कह रहा है कि आज तुम वो चीज़ को करो। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है, उन लोगों ने ना खाया ना पिया, जानवर तक लो उन लोगों ने पानी नहीं पिया और ना खाना खाया, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई किस प्रकार कर रहे थे। मेरे प्रियो देखो लिखा है चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, वो दुहाई दे रहे थे और अपने कुमार्ग से फिरे। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, ये जो राजा ने आज्ञा दी वे लोग कह रहे, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे। राजा को ये बात पता चल गई थी कि ये चीज ये अगर करेंगे परमेश्वर सच में दया करेगा और लिखा है संभव कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप, जो परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था वो शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। एक राजा ने एक सेवक के जाने के बाद राजा के कान पर वो चीज पहुंची, राजा ने उस पूरे देश में, शायद आज वो राजा आप होंगे आपके घर के, शायद आप राजा वो होंगे कि आज आप लोगों को बताए कि परमेश्वर का कोप भड़कने से पहले तुम पश्चाताप करो। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि आज हम अगर हम पश्चाताप करेंगे, अगर हम टाट ओढ़ लेंगे, अगर हम परमेश्वर के नज़र में अपने आप के गुनाहों को मान लेंगे तो निश्चय है परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमारे गुनाहों को भूल जाएगा
और हम पर वो कोप अपना भड़काएगा नहीं, लेकिन हमें क्षमा करेगा। राजा को पता चल गया था और उसने ये ढिंढोरा पिटवाया था कि तुम प्रार्थना करो और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दोहाई करो और अपने कुमार्ग से फिरो। आज मेरा भाई, आज मेरी बहन, तू अगर कुमार्ग पर जा रही तो अपने अपने पैर पीछे ले ले, वापस ले ले और परमेश्वर की ओर बढ़ जा, और परमेश्वर तुझे उसका कोप नहीं भड़काएगा, परंतु उसकी दया तुझ पर रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो निश्चय ही हमें दया हम पर करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। वहां पर योना जो भाग रहा था, वो बताने के लिए डर रहा था उन लोगों से, वो कह रहा था वो लोग बहुत दुष्ट लोग हैं, वो मेरी बात सुनेंगे वो तो मुझे निश्चय मार देंगे, एक तलवार से मैं खत्म हो जाऊंगा, इसीलिए वो भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको विश्वास दिलाया, उसको काम करवा के लेना था। चाहता तो परमेश्वर वहां पर अपनी आकाशवाणी करके बता सकता था, लेकिन परमेश्वर योना नबी से अपना काम करवाना चाह रहा था। आज आप शायद वो व्यक्ति होंगे, शायद परमेश्वर आपसे वो काम करवाना चाहता हो और आप भाग रहे हो, आप डर रहे हो कि मैं कैसे करूँ, वो तो मुझे मार देगा, वो मेरा पड़ोसी मुझे ख़त्म कर देगा, वो मेरा खानदानी, जो मेरा चाचा है, जो मामा है, जो कोई है रिश्तेदार, वो मुझे ख़त्म कर देगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है उसके काम को करने के लिए। और देखिएगा, अगर आज ये वचन को आप मानते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आप डरेंगे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रचार करेंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करेगा, वो व्यक्ति जो आप लोग कहते हो कि वो इंसान, वो छोटा छोटा व्यक्ति, वो नगर का एक नौकर क्यों ना, वो भी ख़त्म कर देगा योना नबी को, ऐसा उसके दिमाग में लग रहा था। लेकिन क्या मालूम, वहाँ उसको पता नहीं था वहाँ का राजा उठ खड़ा होगा और वही ढिंढोरा पिटवाएगा। आधा तो काम राजा ने कर दिया। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है और परमेश्वर आपके लिए 100 कदम बढ़ा देगा। आज परमेश्वर के पास एक कदम बढ़ा कर आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, टाट ओढ़ लेंगे, प्रार्थना का टाट ओढ़ लेंगे और गिड़गिड़ा कर, दोहाई देकर, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, मेरा पिता आपकी प्रार्थना को सुन, प्रभावशाली है वो, ज़रूर काम करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो ज़रूर मुर्दे शरीर में अपनी जान को डाल देता है। परमेश्वर का वचन वो है जो व्यभिचार और नशे में जो पड़ा व्यक्ति है उसके होश उड़ाकर उससे परमेश्वर अपना काम करवाने के लिए उसे पता है। परमेश्वर का वचन सल्वेशन है, उद्धार है। परमेश्वर का वचन जीसस है, यीशु मसीह है, आपके जीवन में प्रकाश को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है, आपके अंदर ज्योति जग जाएगी। परमेश्वर का वचन तलवार है, आपके शरीर और गुदों को और मांस हड्डियों को आर पार कर देगी और आपका जीवन बदल देगी। परमेश्वर का वचन वो है, और वही वचन यहाँ पर हुआ। योना नबी ने जब प्रचार किया और राजा का जो गुदा गुदा और उसका शरीर, उसका हृदय छिद गया, उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि टाट ओढ़ लो, प्रार्थना, क्या व्यक्ति, क्या जानवर, खाए नहीं, पिए नहीं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर दोहाई दे ताकि परमेश्वर अपने कोप को हम पर ना भड़काए और निश्चय ही हम पर दया करे। आज परमेश्वर दया करने के लिए आप पर खड़ा है, आपके बाजू में, लेकिन क्या आपने टाट ओढ़े, क्या आपने राख मली, क्या आपने राख बिछाई, क्या प्रार्थना किया, क्या पवित्र आत्मा का तेल आप पर आया, क्या अभिषेक का तेल आप पर आया, क्या पवित्र आत्मा की अग्नि से आपका पाप धुल गया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए। हालेलुया। आज ही ये वचन आपके लिए होगा और आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके जीवन में ये वचन आपको उठाकर खड़ा करेगा। आज एक ही संदेश में देना चाहती हूँ कि परमेश्वर में प्रार्थना का टाट ओढ़ ले। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया।
और मुझे कोई भी जन, अगर आप सुन रहे, आपको जो भी कुछ करना है पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना के बिना कोई भी चीज़ ना करें। प्रार्थना करने के बाद ही कोई चीज़ आप करें, और रुके रहे, वेट करें, परमेश्वर आपको जवाब देगा। आगे हम देखते, परमेश्वर ने उन पर दया की और वो देश बच गया। कहाँ पर वो देश नष्ट होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने आप उस देश को बचाया नबी को भेजकर। हालेलुया, परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, एक एक जन के लिए जो जो मुझे देख रहे हैं। खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज परमेश्वर, एक एक जन के लिए दुआ करती हूँ। जो भी परमेश्वर, नीनवे शहर के जैसे लोग, मेरे भाई बहन वो मार्ग में चले गए हैं, इनके काम घृणित है, इनके काम गंदे हो गए हैं, और लेकिन प्रभु तूने इनको परमेश्वर मुझे भेजकर संदेश देने के लिए कहा। परमेश्वर मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, एक एक जन के लिए मैं दुआ करती हूँ, ये अपने कुमार्ग से फिरे, पश्चाताप करे, प्रार्थना का टाट ओढ़े, राख मले और चिल्ला चिल्ला कर तुझे दुहाई दे, ताकि तू इनके पापों को परमेश्वर भूल जाए और इन्हें क्षमा करे, और परमेश्वर इन्हें तू नाश ना करे प्रभु। होने दे परमेश्वर, ऐसा ही होने दे, इनकी बीमारी, इनकी गरीबी, इनके फाइनेंस, इनकी नौकरी बचाए जाए, और परमेश्वर इनका जीवन पाप का ना हो, लेकिन परमेश्वर इनका जीवन एक परमेश्वर परमेश्वर पवित्रताई का हो, और एक उदाहरण और एक गवाही का हो प्रभु। होने दे, एक एक जन को तो छो ले आज प्रभु, और इनके जीवन में ये वचन के द्वारा परमेश्वर तूने ये जिंदा वचन तलवार की ना इनके जीवन में, इनके गोदे, इनकी हड्डियाँ, इनकी जान, इनके सब कुछ आर पार करके इन्हें परमेश्वर तेरा वचन तू इन्हें बता दे। तेरा धन्यवाद करती हूँ, ये वचन के द्वारा इनका जीवन बदल जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ। और मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ, जो भी आज वो रो रहा है, जो भी आज ये परेशान है, जो भी ये परेशान है, मेरी बहन आज इसको परमेश्वर तू छू रहा है और इसे आज़ाद कर रहा है, छुटकारा दे रहा है वचन के द्वारा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगती कहती हूँ, आमीन और आमीन।